करूंगी कब सोला सिंगार करूंगी कब मैं उनसे प्यार करूंगी कब सोला सिंगार करूंगी तो जिसमें मुखड़ा देखूंगी जिसमें मुखड़ा देखूंगी वो दर्पण कैसा हो तो ए हवा तू बता तुझको है ये पता सुनिए कुछ लोग चल रहे बैठे बैठे चल रहे फिल्मी गीत करा कैसा होगा तो संजय भैया आप कैसेट बना रहे हैं इस गीत को भी अपलोड करेंगे ये तो मुड़ के देख रहे हैं कैसा होगा और मैं प्रयास कर रही हूँ फिल्मी दुनिया वाले कह रहे कैसा होगा मैं कह रही हूँ कैसी होगी और देखिए क्या कैसी होगी क्या एक बालक सतीश भैया एक बालक अपनी माँ के गर्भ में है उसका जन्म नहीं हुआ है उसके पिताजी पूजन कर रहे हैं उन्होंने एक गलत श्लोक पढ़ा और हमारे सनातन धर्म में ऐसे विद्वान हुए कि उस बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही पेट के अंदर से टोक दिया कहा पिताजी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं अब देखिए कैसा विचित्र बालक है वो जो अपने पिता को शिक्षा दे रहा है गर्भ से और वो कोई और नहीं वही आगे चलकर अष्टावक्र कहलाए लेकिन जब देवताओं ने इस बालक को देखा तो देवताओं ने कहा कि शब्दों में रस घोल रहा गर्भ के अंदर से बोल रहा है के शब्दों में रस घोल रहा है गर्भ के अंदर बोल रहा है तो देवताओं ने कहा कहा कि गर्भ से जब जब गर्भा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी जब ये बालक गर्भ में इतना बुद्धिमान है इतना तेज है तो जब जवान होगा तो जवानी कैसी होगी कैसी होगी तो देवता रहे बता किसको भला पता के कुदरत के कानून की कठिन कहानी कैसी हो जब गर्भा अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी जिसको मैंने बताया अष्टावक्र समझो शशराज जी दूसरा बालक सुनिए सुनिए ये भी ऐसा विचित्र बालक जो केवल हमारे भारतवर्ष में मिलेगा हनुमान जी की माँ अंजनी हनुमान को छोड़कर जाने लगी हनुमान जी ने कहा मैया आपके जाने के बाद खाऊंगा क्या माँ ने कहा तुम्हें जो लाल लाल फल दिखाई दे वही खा लेना बस हनुमान उड़ पड़े तो फल को समझ कर उछल गया जो और दिन कर को भी निगल गया जो
फल को समझ कर उछल गया जो, दिनकर को भी निगल गया। तो देवताओं ने हनुमान को देखा तो कहा कि जहां खिला होगा ये सुमन, जहां खिला होगा ये सुमन, वो बागबानी कैसी हो। और जब बाल्य अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी हो। जी उसमें नहीं मिलेगा, नया प्रयास करना पड़ेगा। उसमें ना YouTube में है, आपके तो खुद चैनल चल रहे हैं और विदेश तक चल रहे हैं। लेकिन मेरा गीत सुनिएगा। पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था। हालांकि अवस्थाएं चार अलग हैं, लेकिन जो अवस्थाएं मैं ले रही हूँ वो विशेष है। और क्या तीसरी अवस्था देखें, और ये भी एक ऐसा बालक है जिसने बड़ी छोटी उम्र में धनुष को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। जनकपुर में जब उन नारियों ने राम जी को आराम से धनुष तोड़ते देखा तो वो नारियां कहने लगी कि लगता है ये वही है। कौन? कौन? के पत्थर को नारी है बनाया इन्होंने, पत्थर को नारी है बनाया, और शिव का धनुष जिसने पल में उठाया। के पत्थर को नारी है बनाया, शिव का धनुष है पल में उठाया। तो नारियों ने राम की सुंदरता को देखकर कहा कि जिसने इनको जन्म दिया, जिसने इनको जन्म दिया, वो महारानी कैसी हो। जब लड़का इतना सुंदर है तो मम्मी कैसी हो, मम्मी कैसी होगी। के जिसने इनको जन्म दिया तो महारानी कैसी हो। अब किशोर अवस्था ऐसी है तो जवानी कैसी हो। अब भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ, चौथी अवस्था सुनिए सुनिए। और ये अवस्था ऐसी है जो जिंदगी में जरूर आती है, आती है। इस अवस्था में बड़े बड़ों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और ये अवस्था कौन है? समझो, जिस समय बहुत बूढ़े हैं जामवंत, जर्जर काया है, शरीर एकदम बूढ़ा है, उस समय रावण जामवंत से जब युद्ध करता है तो उस बुढ़ापे में भी जामवंत जी ने रावण को ऐसा घूंसा मारा कि रावण को खून की उल्टियां होने लगी। भयंकर घूंसा पड़ा तो रावण कहने लगा, पड़ गया कि जामवंत का पार करारा तो सह कर रावण ये बैन उचारा। जामवंत का वार करारा सहकर रावण बैन उचारा। तो रावण कहने लगा क्या के रीछ राज की किशन कथा, रीछ राज की किशन कथा लाशानी कैसी हो। तो जब इनका बुढ़ापा ऐसा तो रही जवानी कैसी। के वृद्धा अवस्था ऐसी तो रही जवानी कैसी। वृंदावन बिहारी।